हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू आर केम चैनल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है इसका नाम है परकिन कंडेंसेशन, जो कि विलियम हेनरी परकिन द्वारा दी गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम जो था वो क्या पड़ा, परकिन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन किसके जैसी मिलती जुलती है, एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि आपने प्लस टू क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, जो अल्फा वाला कार्बन होता है उसके बाद जो बगल वाला कार्बन बीटा, उससे हाइड्रोजन क्या होता था, ऑक्सीजन के पास चला जाता था। तो इसी यही जो ये जो कंडीशन है इसमें भी क्या होता है, वैसे ही होता है। क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो परकिन कंडेंसेशन को चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहले इसका रिएक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल आसानी से पता लग सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परकिन कंडेंसेशन। पार्किन कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म, सॉरी रिएक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पार्किन कंडेंसेशन में सबसे पहले क्या लेना है, हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आ गया हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसके बाद क्या करना है, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाना है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें से वाटर को हम एलिमिनेट करते थे, जो कंपाउंड बचता है हमारे पास उसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसके बाद अगला एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इससे किसके साथ ट्रीट करवा रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, किसके साथ, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और टेम्परेचर कितना है, 450 केल्विन। ठीक है, कितना, 450 केल्विन। तो ये हमारी पोजीशन है अल्फा और ये बीटा, दैट इज आल्सो अल्फा एंड बीटा। तो आप यहां से हाइड्रोजन निकालना चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकालना चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं यहां से निकाल रहा हूं, इसको ओपन करके लिख लेता हूं, CH3 था यहां पर, तो CH2 और एक H जो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक H। ठीक है, तो अब ये वाला ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को क्या है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा C6 फिर H5 और क्या होगा हमारे पास CH, और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास, हट गया और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, OH बन गया। ठीक है, और ये एसिड जो बचा हमारे पास वो क्या है, अटैच होता जाएगा, चेन जो है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास CH2, फिर क्या गया सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या है ओ, फिर क्या है सी डबल बॉन्ड ओ और क्या है CH3। ठीक है, क्या गया हमारे पास CH3। सो ये बनेगा हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट, क्या हुआ फिर से देखिए, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, बाकी जो चेन एज इट इज थी उसको एज इट इज हमने रहने दिया। ठीक है, सो चलिए इससे अगला क्या स्टेप होगा उसे डिस्कस करते हैं। ये बना था हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो इसका जो वाटर एडिशन करवाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें ऐड वाटर करना है। तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा हमारे पास, हमारे पास जो है एसिटिक एसिड, जो कि हमारे पास एसिटिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और बचा हुआ प्रोडक्ट जो है अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा अगले स्टेप में C6H5 और क्या बनेगा CH, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या हो गया हमारे पास CH3C और एक ओ यहाँ से और एक एच यहाँ से, ये जो है एलिमिनेट हो गया और जो बचा हुआ एच था वो कहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, तो ये बना हमारे पास। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद जो है यहाँ से वाटर का रिमूवल करवाना है, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन में होता था। ठीक है, तो ये जो H2 है मैं इसको कैसे लिख लेता हूँ, ओपन करके लिख लेता हूँ CH और H। ठीक है, ये बन गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, इसको क्या करना है हमने, रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। ठीक है, ताकि इसकी बैलेंसी जो हो पूरी हो सके। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट, देखिए आप, नेक्स्ट बनेगा हमारे पास सिनेमिक एसिड, जो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। ठीक है, तो सिनेमिक एसिड का यूज जो है वो फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और जो कि हमारे परफ्यूम होते हैं उसको बनाने में भी जो सिनेमिक एसिड उसका यूज किया जाता है। तो ये बनेगा हमारे पास सिनेमिक एसिड, ये बनेगा हमारे पास सिनेमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये आ गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सिनेमिक एसिड। तो पर्किंग कंडेंसेशन का मेजर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सिनेमिक एसिड, जो कि परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है मेजरली, ठीक है। बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी जो इसका यूज है वो किया जाता है, ठीक है। और पर्किंग कंडेंसेशन का यूज है वो हार्ट डिजीज होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो रिएक्शन थी, अब इसके बाद जो हम इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करते हैं। सो चलिए इसका मैकेनिज्म जो है हम पार्किंग कंडेंसेशन का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, क्या लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद जो सोडियम सॉल्ट ऑफ जो क्या बोलते हैं एसिडिक एसिड था, ठीक है, वो आएगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास था CH3COOCOCH3, that is called acetic anhydride। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इसके बाद आएगा sodium salt of acetic acid, ठीक है। अब यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो कहां पर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये जो हमारे पास ये का CH3 था, CH2 और ये H, और ठीक है, तो कहां पर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। और फर्स्ट स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोन आयन की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो क्या होगा, क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं अगला प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास। ये होगा हमारे पास अगला प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो था वो आ गया, ठीक है। तो ये कहां चला गया, ये हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड। क्या बना, एसिटिक एसिड, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन इसके पास नेगेटिव चार्ज के पास आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के पास आ गया। तो हमारे पास क्या बना, एसिटिक एसिड, और ये जो है कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो चलिए इससे अगला स्टेप देखते हैं अब क्या होता है इससे अगले स्टेप। पीछे क्या बना था हमारे पास, ये बना था कार्बन आयन, ठीक है। अब ये जो कार्बन आयन है ये क्या करेगा, जो हमारे पास क्या बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड है उस पर अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला कार्बन कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, और ये रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, C6H5, और क्या बनेगा CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, ऑक्सीजन को फिर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, ये वाला कार्बन आयन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, CH2COOCOCH3, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास इससे अगला। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका करना है प्रोटोनेशन, मींस H+ का एडिशन करवाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास H+ का एडिशन, ठीक है, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ स्टेप, क्या होगा हमारे पास, इसके बाद H+ का एडिशन होगा, ठीक है। जो H+ है वो कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, ये जो वाला, ये वाला ऑक्सीजन जो है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर H+ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट बनेगा C6H5, फिर C6H5 के बाद क्या बनेगा CH, फिर क्या, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और ये वाला जो कार्बन आयन बना ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास एज इट इज COOCOCH3। अब इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या था, वाटर का एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर करना है, क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ वाटर, और एलिमिनेशन किसका हुआ था, एसिडिक एसिड का, किसका एलिमिनेशन हुआ था, एसिडिक एसिड का। ये आ गया हमारे पास एसिडिक एसिड का एलिमिनेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, CH3COO और एक O यहां से, और H भी एक यहां से, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, और जो ये O बचा है, एक H जो था, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास C6H5, अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा C6H5, फिर क्या बनेगा CHOH, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास, जो हमारे पास एसिटिक एसिड है वो रिमूव हो जाएगा, और CH2, फिर क्या आएगा C OO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब ये वाला एच जो अपने बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, तो हमारे पास जो सिनेमिक एसिड उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चलिए इसे देखते हैं कि वो कंपाउंड कैसे बनेगा।
सो ये बना था हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद इस प्रोडक्ट को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। हीट करने से इसमें से क्या हो जाएगा, जो वाटर है, जो पानी है, उसका क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। मीन्स ये एच और ये ओ एच जो है वो बाहर निकल जाएगी, और ये वाला एच जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, यहाँ पर छोड़ देगा, और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि मेन प्रोडक्ट ऑफ पर्किन कंडेंसेशन है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, अगला स्टेप इसको क्या करना है, वार्म करना है, ठीक है। और किसकी एलिमिनेशन हो जाएगी हमारे पास, H2O वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा C6 फिर H5, मेरे साथ बोले क्या बनेगा, C6 H5 के फिर क्या बनेगा, इसके बाद फिर बनेगा CH और डबल बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ गया, और इनके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये क्या बनेगा, CH, फिर क्या आएगा, COOH, दैट इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सिनेमिक एसिड। ये क्या है, पर्किन कंडेंसेशन का मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो हमने अब इसका मैकेनिज्म है वो भी डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले जो हमने क्या लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद उसे जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो कि नेगेटिव आयन देता है उसके साथ ट्रीट करवाया था, और उसने जो हाइड्रोजन वहां से ले लिया था, वो क्या बन गया था, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोसेस थी वो ऐसे ही चलती रही, और क्या बन गया हमारे पास, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जो कि मेन प्रोडक्ट ऑफ पर्किन कंडेंसेशन है, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और मेरा चैनल जो कि आरकेएम के नाम से है उसे सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।